मोदी थे पीएफआई के निशाने पर, केरल में बनी थी प्लानिंग उनको मारने के लिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बहुत ही बड़ा दावा किया है। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर सफीक फायथे ने रिमांड नोट में ईडी ने कहा, पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसके फंडिंग में सफीक फायथे भी शामिल था। जांच एजेंसी ने कहा, संगठन ने उन पर हमले करने के लिए यानी कि पीएफआई ने हमले करने के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था, जिससे 2013 जैसा घटना को अंजाम दिया जा सके। आपको पता ही होगा, अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की रैली में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट किया गया था। ये है सफीक, जो कि कतर में गल्फ तेजास मीडिया हाउस के तेजास न्यूज़पेपर में बिजनेस डेवलपमेंट के मैनेजर हुआ करता था, और यही मेन है जो फंडिंग करता था और प्लानिंग भी किया था मोदी जी को मारने के लिए। वहीं ईडी ने कहा कि पीएफआई को खाड़ी देशों से फंडिंग होता था, सभी पैसे हवाला के जरिए आया करता था, और हमने इस साल पीएफआई के 120 करोड़ रुपए जब्त किए, यानी कि ईडी ने 120 करोड़ रुपए जो फंडिंग आया थे उसको जब्त कर लिया है। और ये जो सफीक पायथे था वो भी 40 लाख रुपए कतर से ट्रांसफ़र किया था, और ये गैर कानूनी तरीके से 40 लाख रुपए भेजा था। तो आपको बता दें, कोची में एनआईए की ओर से दाखिल एफिडेविट में कहा गया कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई ने युवाओं को लश्कर और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, और भारत को हमारे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई बहुत तरह के ऐसे एक्टिविटी करती है, जिससे कि आपको अगर आप डीपली जानोगे तो आपको होश उड़ जाएगा। और बहुत आप जो भी आप सुनते हो कांड, ये सभी पीएफआई के द्वारा ही रहता है। तो चलिए अब आपको बताते कि पीएफआई का मिशन क्या है 2050 तक। तो चलिए आपको सारा डिटेल बताते हैं। तो छापे के बाद पकड़े गए लोगों के पास से मिले दस्तावेज के मुताबिक संगठन का टारगेट हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करना है, मतलब वो पूरे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। और इसमें लिखा मिला कि 2047 में जब देश आज़ाद के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इस दस्तावेज में ये भी लिखा है कि 10% मुस्लिम भी साथ दे दे तो कायरो को घुटने पर ला देंगे, ऐसा पीएफआई का मानना है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोचते रहते हैं। तो आपको बता दें, एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि हवाला के जरिए पैसे जुटाकर पीएफआई के सदस्य ट्रेनिंग कैंप लगाते थे, और साथ ही इनके मेंबर्स देश भर में कई आपराधिक साजिशों में शामिल रहते थे। अप्रैल से ही इसकी जांच शुरू हो गई थी। सीएए कानून और हतरास जैसे घटनाओं में भी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने में पीएफआई का सबसे बड़ा हाथ था। लोगों को भड़काने में पीएफआई का ही हाथ होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, इस्लामिक सत्ता के चार और चार प्लान उन्होंने क्या बनाया था। तो सबसे पहले पीएफआई के झंडे तले मुस्लिमों को जोड़ना था, उन्हें तलवार रोड से हमले और ट्रेनिंग देना, और आत्मरक्षा के लिए भी ट्रेनिंग देना और गुर सिखाना था। नंबर सेकंड, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर विरोधियों में दहशत पैदा करना, अपने ट्रेड कैडर की मदद से हिंसा फैलाना। नंबर थर्ड, ST SC और OBC के साथ मिलकर कुछ राज्यों में चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना, 50% मुस्लिम और 10% ST SC और OBC का भरोसा जीतना। नंबर फोर, 50% मुस्लिम और बाकी लोगों के साथ राजनीतिक ताकत हासिल करना, यह ताकत राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करने के लिए भी पर्याप्त होगी। सत्ता मिलते ही सरकारी विभागों की कमान अपने कैडर के लोगों को सौंप देना। पुलिस के दावे के मुताबिक जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट पीएफआई से बरामद हुआ, उनमें इन बातों के जिक्र है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएफआई ने अलग कितने संगठन बना कर रखे हैं और ये संगठन में क्या क्या काम होते हैं। पीएफआई के अलग अलग संगठन हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI।
पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है ये। इस पार्टी के बैनर तले ये चुनाव लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी एसडीपीआई ने नगरीय निकायों की में कई शहरों में पार्षद पदों पर विजय हासिल किया था। नंबर सेकंड, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई, ये स्टूडेंट विंग है और पढ़े लिखे छात्रों के बीच पीएफआई की विचारधारा के प्रचार फैलाना और संगठन में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, केरल और तमिलनाडु में इसका अच्छा प्रभाव है। नंबर थर्ड, राष्ट्रीय महिला मोर्चा, ये पीएफआई की महिला विंग है। इनका काम महिलाओं के बीच धार्मिक कट्टरता का प्रचार करना, 3 तलाक और हिजाब जैसे मुद्दों पर इस संगठन ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया था। नंबर फाइव, अखिल भारतीय इमाम परिषद, पीएफआई के बैनर तले इमामों का संगठन है। सही मायने में मस्जिदों में तकरीरों व अन्य कार्यक्रमों में कट्टरता परोसने का काम ये करता है। नंबर फाइव, अखिल भारतीय कानून परिषद, ये पीएफआई से जुड़े वकीलों का संगठन है। वकालत के पेशे से जुड़े ऐसे लोग जो पीएफआई की विचारधारा से प्रेरित हैं, वे इसके सदस्य हैं। पीएफआई के अलग अलग सदस्यों को जो जेल में है या पुलिस के पड़ताड़ना से परेशान है, उनके लिए लीगल हेल्प की काम करती है ये पाँचवें नंबर की अखिल भारतीय कानून परिषद, जो पीएफआई से जुड़े वकीलों का है और ये जो लोग परेशान हैं या जो जेल में हैं उनको निकालने का ये काम करती है। तो समझ सकते हो कि पीएफआई किस हद तक हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व फैला रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ लगे रहते हैं अपने पढ़ाई में, अपने काम में, और ये पूरे हिंदुस्तान को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, सोचो। और हमारे हिंदू बेटी बेटियों को मारने का काम भी यही करती है और यही फंडिंग करता है। तो समझ सकते हो कि ये किस आधार पर ये अपने हमारे देश को पूरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रहा है। और हम लोगों में प्रॉब्लम ये है कि हमें मतलब नहीं होता है किसी से कोई कौन क्या कर रहा है, और इन लोगों में एक दूसरे को हेल्प करता है और ये बहुत अच्छी बात है। और हम में ये बिल्कुल 100% कमी है, हमें किसी से मतलब नहीं होता है और हमें कास्टिज्म से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। आप इन लोगों का प्लान भी देख सकते हो कि किस हद तक इन लोगों का प्लान रहता है, और सभी कुछ इन लोगों का प्लान से चल रहा है। और इन लोगों का कहना है कि जब कोई पकड़ा जाता है तो उसको पागल घोषित कर देंगे या उसको बोल देंगे कि वो नकारा है, उसको बहलाया फुसलाया गया है। और इस मामले में कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जो विरोध करेगा, सभी इनको सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट ऐसा कि आपको पता भी नहीं चले, नहीं वो पागल था, उसको बहला फुसला दिया गया, ऐसा बोल के आपको जवाब को काट देंगे। सोचो ये पूरा हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेने वाले हैं और हम एक एग्ज़ाम के पीछे भागते रहते हैं। और ये अगर पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिए तो आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास अगल बगल क्या चल रहा है, और हमें सभी साइड हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ाई काम नहीं देता है, जब तक आप सेफ नहीं रहोगे तो नौकरी भी क्या फ़ायदा, जैसे कश्मीर में हुआ।